हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये वीडियो जो है वो सुबह सुबह का है, और सुबह 5 बजे हम लोग निकल गए थे चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ 32 सेक्टर जाना था, वहाँ पर हॉस्पिटल में दिखाना था दादी को। तो सुबह सुबह लेकर गए थे उनको हम। तो डॉक्टर वहाँ पर जल्दी बैठता था, तो इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे। तो ये अब बस में जो बैठे हैं वहाँ का सीन है। तो वहाँ से दवाई लेके आने के बाद में फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। तो और ये अब अगले दिन का है, तो ये रामनवमी वाले दिन का है। तो जो कंजक पूजक पूजन करनी थी हमने, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही हूँ। बाकी सारी चीज़ें मेरी बन गई थी। तो निशा नहाने के लिए गई थी, तो निशा को मैंने बोला था नहा के आने के बाद मतलब पूड़ियाँ बेले, फिर मैं छानने लग जाऊंगी पूड़ियाँ। तो तब तक मैंने सोचा चलो मैं ही लोइया कर लेती हूँ, पूड़ियाँ थोड़ी बहुत मैं निकाल लेती हूँ, बेल लेती हूँ। तो यही मैं यहाँ पर करने लग गई थी। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया था हमने उस दिन रामनवमी वाले दिन। मंदिर भी नहीं जा पाई मैं उस दिन, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मन भी नहीं किया जाने का। थोड़ा तबीयत थोड़ी ढीली ढीली सी लग रही थी, क्योंकि उससे एक दिन पहले भी सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ गया था मुझे। तो दादी को लेके जाना था, तो बहुत जल्दी उठ गई थी, 4 बजे उठ गई थी। तो आज जैसे रामनवमी है तो उस दिन भी कंचक करनी होती है, तो जल्दी उठना पड़ा, तो नींद नहीं पूरी हुई, तो इसलिए फिर मेरा जाने का मन नहीं हुआ। तबीयत भी थोड़ी ढीली ढीली सी लग रही थी, इसलिए मैं मंदिर नहीं गई। वैसे तो हम मंदिर जाते हैं, तो ये कोरोना की वजह से मतलब 2 बार से मंदिर नहीं गए थे। एक बार गई थी तो बाहर से मत्था टेक आए थे, तो बाकी और नहीं गई मैं मंदिर। और इस बार सोचा था जाऊंगी मंदिर, लेकिन नहीं जा पाई। तो यहाँ पर बस मैं सारी पूड़ियाँ बेल बेल के रख रही थी, और मैं नीचे ही बैठ के ना बेल रही थी। आटा भी मैंने नीचे बैठ कर ही गूंदा, क्योंकि खड़े खड़े ना सारा काम करो तो बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। और बस आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए थोड़ा, मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ अभी। और यहाँ पर मैंने छोले बना लिए थे, तो वो छोले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पर बनाया था हलवा, और हलवा वगैरह बन गया था, सारा चीज़ बन गया था, फिर पूड़ियाँ बनाने लग गए थे। तो यहाँ पर देखिए मैं पूड़ियाँ भी निकाल रही हूँ, पूड़ियाँ बहुत ही फूली फूली सी निकली थी। और हम लोग पूड़ियाँ थोड़ा लाल करके बनाते हैं, लाल हो जाती हैं पूड़ियाँ, वही वाली पूड़ियाँ मुझे अच्छी लगती है। और ये नीचे बैठी है, पूड़ियाँ बेल रही है। तो बस थोड़ा सा वीडियो मैंने शूट कर लिया था, और जो कंजक पूजन के लिए लड़कियों को हमने बुलाया था उसकी वीडियो किसी ने बनाई नहीं, क्योंकि सब बच्चे ना बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे। और यहाँ पर मैंने फिर अनिल की थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली, खाना खा रहे थे। मैंने कहा चलो किसी की नहीं की है तो आप ही की कर लेती हूँ, तो वो मना कर रहे थे, कहते नहीं मतलब मेरी वीडियो मत बनाओ। तो खाना खा रहे थे, खाना भी उन्होंने रख दिया था कि नहीं खाऊंगा, तो मैंने उनको ज़बरदस्ती बोला कि खाओ खाओ, और तभी मैं वीडियो बनाना बंद करूँगी। तो खाया, उसके बाद में फिर मैंने छोड़ दिया वीडियो बनाना। और यहाँ पर सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो सब्ज़ी मैंने कंचक करने के बाद में बनाई है। यहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है, आलू गोभी की सब्ज़ी पूरी के साथ में बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये मसाले हो रहे हैं सब्ज़ी के, तो इसमें मैंने प्याज और लहसुन नहीं यूज़ किया है, बिना प्याज और लहसुन के ही सब्ज़ी बनाई है, और काफ़ी अच्छी बन जाती है बिना प्याज और लहसुन के भी सब्ज़ी। और यहाँ पर ये मेरे गोभी हो गए हैं फ्राई, और फिर मसाला भी मेरा रेडी हो गया था, तो मसाले में मैंने सब्ज़ी को डाल दिया है। और बस फिर जैसे नॉर्मली सब सब्ज़ी बनाते हैं वैसी मैंने सब्ज़ी बनाई थी। तो सब्ज़ी आलू और गोभी की सब्ज़ी जो होती है ना पूरी के साथ में अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए पापा से गोभी की सब्ज़ी मंगवाई थी। तो गोभी की सब्ज़ी सबको ही वैसे घर में पसंद है, आलू और गोभी,
उसके पूरी के साथ में, तो या फिर आलू की, अकेली आलू की उबली हुई जो सब्ज़ी होती है उसके साथ में भी पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। या तो वो बनाएं, तो आलू खा खा के मतलब मन पिसा गया था, क्योंकि 9 दिन का फास्ट रखो तो ना आलू आलू मतलब हो जाता है, बहुत आलू खाया जाता है। तो मैंने कहा चलो गोभी खाएंगे आज, गोभी की सब्ज़ी और पूड़ी। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी मेरी हो गई है लगभग, और यहाँ पर मैं आप लोगों को किचन दिखा रही हूँ कि कितना किचन फैल गया है मेरा। और यहाँ पर फिर मैं अपने लिए निकाल लिख कर लेके आई थी, हलवा है, छोले है, पूड़ी और चाय है, अपने लिए लेके आई थी मैं खाने के लिए। और उसके बाद में थोड़ा बहुत काम किया था, बाकी और चीज़ें मैंने शूट नहीं की थी, तो मन भी नहीं किया था क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो थोड़ा बहुत काम करके बस फटाफट लेट गई थी मैं, और नीचे का जो भी काम था वो निशा ने कर लिया था, तो ऊपर बस यहाँ पे मैं आ गई थी, थोड़ा सा बिस्तर साफ़ कर लिया था और झाड़ू वगैरह लगा लिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि कंचक करने के बाद में ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, कपड़े कुपड़े भी नहीं धोए थे। और ये भी मतलब कंचक करने के काफ़ी देर के बाद में मैंने ये काम किया था। तो चलिए फिर, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, और प्लीज़ वीडियो को ना फुल वॉच किया करिए। तो बाय, थैंक यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।